सुल्तानपुर से लखनऊ जाना था। मैं सुबह 5 बजे जनरथ से लखनऊ के लिए निकल चुकी हूँ और मुझे सीट मिल चुकी है। तो अभी के लिए घर बस स्टॉप ली हुई है और मैं आधे रास्ते में सो गई थी गाइस, क्योंकि मुझे नींद बहुत तेज लग गई थी। जनरथ में शांति रहती है वैसे और एसी चलती रहती है, तो इंसान आराम से सो भी सकता है। ये फैसिलिटी अच्छी लगती है और थकान नहीं लगती बिल्कुल। मेरे बाल सूख चुके हैं तो मैंने नई हेयर स्टाइल बना ली हुई है। You can see this। मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने सबसे पहले लखनऊ पहुंचकर डोसा खाया। नाउ गाइस, पेट हो चुका है फुल पूरी तरीके से। अभी काम करने में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि पेट भर चुका है। चलिए आपको रेस्टोरेंट दिखा देते हैं कि कैसा है। फाइनली पेट इज एम्प्टी। गाइस, अभी मैं विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने मास्क ले लिया है इन अंकल से ढेर सारे, क्योंकि ब्लैक मास्क सुल्तानपुर में ये वाले मिलते ही नहीं हैं। सर्टिफिकेट बनवाना था और यहाँ पर मुझे बहुत टाइम लग रहा था। विवेकानंद हॉस्पिटल में इस वक्त पे मैं थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। मैं बैठ के कंटिन्यू वेट कर रही थी। अब मैं विवेकानंद से निकल चुकी हूँ BVD के लिए। वहाँ जाके मुझे कुछ फॉर्म सबमिट करने थे, जो काम मेरे अधूरे रह गए थे एडमिशन वाले दिन, वो मैंने आज कंप्लीट किया। BVD के थोड़े दूर पे किसी ने मुझे रूम सजेस्ट किया था, मैंने देखा। ये रूम मुझे इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि ये कॉलेज से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर था। BVD में काम कंप्लीट होने के बाद मैंने बहुत सारे हॉस्टल्स, बहुत सारे रूम्स देखे और मुझे कुछ अभी तक समझ में नहीं आया है कि मुझे कहाँ पे शिफ्ट होना है। तो अभी मैं गाइस हॉस्टल्स देख रही थी, बहुत जगह पता किया, वीडियोस नहीं शूट किया। कल से हॉस्टल में वीडियो बनाना है, इजीली सही नहीं लगता, मुझे खुद ही अच्छा लगता। और बात यह है कि अभी 4:23 हो चुके हैं टाइमिंग। मुझे निकलना है यहाँ से बस जन्नत पकड़ने के लिए, मतलब जन्नत पकड़ूंगी नहीं, जन्नत में बैठने के लिए। टाइमिंग उसकी है 5:00। बहुत जल्दी जल्दी मैं रोड की तरफ जा रही हूँ मेन रोड पे, और मैं कोशिश करूँगी कि जन्नत की टाइमिंग तक मैं पहुँच जाऊँ और जन्नत से ही जाऊँ। ये है मेरा प्यारा कॉलेज BVD। फाइनली आज सारे काम हो चुके हैं, अब बस क्लासेस लेनी है और यहाँ पर आके मुझे शिफ्ट होना है बस। बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं कंप्लीट एंड नाउ आई एम फीलिंग फ्री एंड हैप्पी। BVD के अंदर भी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है और BVD के सामने रोड क्रॉस करते ही आप देख सकते हैं बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल हैं, और सामने ही क्राउन मॉल है तो एरिया वाइज काफ़ी अच्छा है। मैं BVD के सामने बहुत देर तक वेट करती रही, मुझे कोई भी ऑटो नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने बुक किया ओला, और ओला से अब मैं जा रही हूँ आलमबाग, क्योंकि मुझे जन्नत की टाइमिंग के पहले पहले पहुँचना था। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ आलमबाग बस स्टैंड पे। यहाँ पे सच में बहुत खुशी हुई कि जन्नत लगी हुई है अब तक। वाटर बॉटल ले लिया हुआ है जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, और अभी जा रही हूँ वॉशरूम अपना फेस वॉश करने, क्योंकि जो बस है वो अप्रॉक्स 6 PM पर ही चलेगी। एंड यह चलिए, सिर बहुत दर्द कर रहा है, डॉक्टर किसी को दिखाते हैं। कोई डॉक्टर किसी आई डोंट नो हु। ये है आलमबाग का बस स्टेशन, जहाँ पर प्राइवेट बस और रोडवेज बहुत ज़्यादा हैं। आप यहाँ पे कहीं भी जा सकते हो, मतलब यहाँ से कहीं भी जा सकते हो, आगरा, वाराणसी और बहुत जगह की बस यहाँ पे लगी हुई रहती है, जहाँ पे इजीली आप कहीं भी जा सकते हो। इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे अपना फ़ेस वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो फीलिंग आ रही थी, शाम हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ेस वॉश करने वाली हूँ। फाइनली मैंने फेस, हैंड सब कुछ वॉश कर लिया है सुबह से जाके। अब मुझे थोड़ी सी गुड वाली फीलिंग आ रही है गाइस। ओके, आई एम डन, करते हैं पेमेंट और निकल जाते हैं यहाँ से बाहर। अभी बस के अंदर मैं बैठ चुकी हूँ, AC चल चुकी है बट अभी बस स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी देर में होगी। अभी बहुत फ्रेश फील हो रहा है मुझे बहुत ही ज़्यादा। ओके, AC को करते हैं ऐसा, अभी हवा आ रही है। तो BVD कॉलेज आज मुझे फिर से जाना पड़ा, जैसे कि आप सभी को पता है।
सबमिट करने थे कुछ फॉर्म्स और कुछ डिटेल्स मेडिकल और बहुत कुछ ऐसा था जो करना था। आप एडमिशन करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं करवाओगे तो आपके जाने लायक कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अगर कोई रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, मिस्टेक होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम हैंडल आपको फिर से बता दूँ, स्क्रीन पे है, DM कर सकते हो। अभी पूरी की पूरी बस खाली है और बाहर एकदम उजाला और एकदम धूप है। मैं बस में बैठ गई हूँ, बगल ही एक जन्नत और लगी हुई है, लेकिन ये सुल्तानपुर की नहीं है। आज का जो दिन था बहुत हैक्टिक डे था, बहुत वर्कलोड मतलब इतना ज़्यादा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ, और जहाँ जहाँ भी थी सब जगह भीड़ थी, इसलिए मुँह से बोल के वीडियो बनाना इज़ नॉट पॉसिबल, मैं नहीं कर पाई। ज़्यादातर 100% कोशिश करती हूँ कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ, मुँह से बोलूँ, आपसे कॉन्टैक्ट करूँ, आई कॉन्टैक्ट विथ बोल के भी कॉन्टैक्ट करूँ, लेकिन कभी कभी किसी किसी जगह पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। फाइनली गाइज, मैं सुल्तानपुर पहुंच चुकी हूँ। मैंने रास्ते का कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि रात थी, अंधेरा था, वीडियो में साफ कुछ भी ना दिखता, और मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा चार्ज नहीं था कि मैं वीडियो शूट करती। अगर शूट करती फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था इतनी दूर घर पर रहने से कि मेरे घर वाले परेशान हों। फाइनली सुल्तानपुर पहुँच चुकी हूँ। आई होप गाइज़ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।